बजरा के सरना स्थल में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के सारे आदिवासी जमीन जो लूटा जा रहा है उसके बचाव को लेकर प्रार्थना किया गया। यहां पर जो जमीन दलाल हैं उनको भी चेतावनी देते हुए कहा गया कि आप लोग हमारे जमीन ना लूटे। यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है जो हमारे सरना धर्म के तहत तो होता है, और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ पर झंडा बदली का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि सरना झंडा जो हम लोग जिसको हम लोग पूजा करते हैं, जिसको आस्था जिस पर हम लोगों का आस्था है, उसको हम लोग सालों साल बदली करते हैं। बदली करने के बाद वो नया झंडा वहाँ गाड़ कर और उसको नए से स्थापित करते हैं। जी जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कितना डोजरिंग हो गया है यहाँ, और लोग अब धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ के दलाल। और ये सबसे विडंबना की बात है कि प्रशासन भी हमारा साथ नहीं देती है, प्रशासन के लोग भी एक बार बुलाए हुए में नहीं आते हैं और जांच तक नहीं करते कि ये सरना स्थल है, धार्मिक स्थल है या क्या है। मारपीट तक की नौबत आ जाती है मगर प्रशासन एक्शन नहीं लेती है, और प्रशासन भी यहाँ दलालों का ही साथ देती है। तो अब हम लोग निर्णय लिए हैं कि समाज के लोग अब निर्णय लेंगे, और अपने जितने भी धार्मिक स्थल हैं या व्यवस्था की ज़मीनें हैं उसको हम लोग खुद बचाएंगे। अगर इसके लिए हमें दलालों से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े या प्रशासन से भी लड़ना पड़े, तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज हम लोग प्रार्थना सभा रखे हैं नेमहा नगर बजरा में, और आज हम लोग सभी भाई बहन, माए बाप, बाल बच्चा, ये चलते प्रार्थना सभा हर साल होएला, बहुत दिन से होते आए हैं, लेकिन आज राखी कि मैंने पूरे झारखंड कर माए बाप, भाई बहन और विशेषकर बजरा में माए माटी, भाषा संस्कृति और हमी कर जितना भी आदिवासी मूलवासी मैंने कर ये जमीन जायदाद सभी कुछ सुरक्षित रहे। साथ ही साथ हम हियाँ प्रार्थना करा थी कि हियाँ कर जत कोई जे भी जमीन जायदाद ना बेचे, उनकर दिल दिमाग में जमीन जायदाद के प्रति लगाव जगे, ताकि वे अपने आने वाले नाती पोती भाई बेटा बेटी के लिए जमीन, कला, संस्कृति, माए माटी और भाई बहन कर सुरक्षा कर पावे। साथ ही इस क्षेत्र में जो भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आज हमारे अगल बगल जितने भी पंचायत हैं, नया टोली शिमलिया हो, बजरा हो, कमड़े हो, इस तरह के जितने पंचायत है, यहाँ पर कई तरह का मने गैरमजरूआ प्लॉट है, आम है, खास है, इनका गलत तरह से खरीद बिक्री, डीड मोटेशन रसीद कट जा रहा है। तो हम लोग आज विशेष रूप से सभी को प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का जो ओल झोल काम हुआ है, हम लोग का प्रार्थना के जरिए सरकार को मने भगवान ईश्वर अल्लाह चलामय धर्मेश मदद करे, और यहाँ का DC, SDO जो भी कर्मचारी इस जो जमीन में लिप्त रहते हैं उनको सुबुद्धि दे, ताकि जो गलत ढंग से डीड मोटेशन रसीद बना है उसको मने उनको जेहन में रहे और इसको रद्द करने का कृपा करे। यही आज हम प्रार्थना करते हैं सभी जाति के भगवान और मने ईश्वर से। धन्यवाद। मैं राजेश लिंडा, केंद्रीय सचिव आदिवासी सेना। आज हम लोग यहाँ सरना झंडा बदली वर्षगांठ में आए हुए हैं, और चूँकि हमारा समाज में हर एक वर्ष जहाँ भी आप देख रहे होंगे सरना स्थल है, वहाँ हर एक वर्ष वर्षगांठ बनाया जाता है और सरना स्थल में पूजा पाठ करके आप देखे झंडा बदली का कार्यक्रम किया जाता है, और काफ़ी विडंबना है। आप आए होंगे तो देख रहे होंगे यहाँ भू माफियों द्वारा, गलत आदमियों द्वारा, गैर आदिवासियों द्वारा जमीन में डोजरिंग करके जमीन बेचने का कार्य किया जा रहा है। तो ये कताई आदिवासी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम धर्मेश चल आयोग से भी विनती करते कि ऐसे लोगों को सुदबुद्धि दें और उनको समझाए कि धार्मिक स्थल से छेड़खानी ना करें, तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। पवन तिर्की, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद।
यहाँ आज सामाजिक और धार्मिक का प्रार्थना हुआ। यहाँ सदियों से, आज नहीं, सदियों से यहाँ पूजा पाठ होते आ रहा है और कुछ दलाली लोग यहाँ का जमीन को अतिक्रम कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ हमको बोलना पड़ रहा है, ये पूजा पाठ का जमीन है और ये पूजा पाठ का जमीन किसी भी हाल में आदिवासी बचा के रहेगा। ये प्रार्थना सदियों से होते आ रहा है और इस जगह पर प्रार्थना होते रहेगा आगे भी। मैं कमलेवराम राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत राष्ट्रीय प्रचारिका। हम लोग यहाँ पे अपना धार्मिक जगह को बचाने के लिए और यहाँ के लोगों को जगाने के लिए आए हैं। हम लोग का जो झखरा स्थल है, सरना स्थल है, वहाँ पे हम लोग कभी विधिवत पूजा पाठ किए और विशेष रूप से अभी हमारे आदिवासी भाई बहन लोग अपना धर्म कर्म से भी वंचित हैं। बहुत लोग अभी नहीं जान रहे, तो वही लोगों का बीच में हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और अपना भाषा संस्कृति परंपरा और हम लोग का जो आदिवासी लोगों का जो कल्चर है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे और यहाँ वालों को हम लोग जानकारी देंगे। और विशेष रूप से अभी हमारे बीच में अभी सरना को लेकर के अभी हम लोग का आंदोलन छेड़े हैं हम लोग, और अभी यहाँ से झारखंड सरकार सत्र बुला करके यहाँ से पारित कर दिए हैं। तो मैं झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और वैसे ही हम लोग पूरा देश में हम लोग जा करके अपना आदिवासी समाज के भाई बहनों को जगाने का काम कर रहे हैं और सब जगह का लोग अभी एक संगठन में, एक मुट्ठी में और एक बैनर तले, एक झंडा के नीचे आ रहे हैं और आज पूरा दुनिया में हम लोग का एक पहचान बन गई है और सबको अभी हम लोग अपना पहचान के नीचे, अपना झंडा के नीचे अभी आ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद में हर घर में, हर जगह आज परिवर्तन हो रही है। हमारे लोग भी पहले के अपेक्षा अभी हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। तो मैं सबों से यही आशा और उम्मीद भी करती हूँ, सबों के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ धर्मेश चाला माँ से कि सबको सरना माँ एक दिन एक रास्ता में लाएं और अपना हक अधिकार, अपना धर्म कर्म के बारे में जानें और अपना जो पुरखा लोगों का जो बताए हुए रास्ते पर चले। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सबों को मैं जय धर्मेश करती हूँ। जोहार, जय झारखंड, जोहार। हम आज यहाँ सरना प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन, माते पिता, जितना यहाँ का अगल बगल का जितने भी दूर दरार से आए हुए भाई बहनों, सब दिल से, तह दिल से हम पूजा कर रहे हैं सरना माँ को। इतना अच्छा से हम कर रहे हैं कि सबको आशीर्वाद दे और यहाँ का जितना भी गर्मजुआ ज़मीन है, हम लोग का सरना है, जितना लूटपाट करते हैं उसको अच्छा से अच्छा अच्छा सरना माँ ही करे और सरकार भी इसको ध्यान दे। अगल बगल जितना भी आए सबको एकदम मन माथा टेक के सबको एकदम तह दिल से हम लोग सरना माँ को आशीर्वाद, दुआ मांग रहे हैं उनसे कि हम लोग का सरना को अच्छा करे और सबको एक अच्छा से दिल से सबको आशीर्वाद दे। आज यहाँ पे महानगर में सरना प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है। उसमें हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। वही पूजा पाठ और यहाँ भजन कीर्तन होगा सरना के विषय में। हाँ, ये सब सारा गर्मजरवा भूमि है और 119 खाता नंबर 119 प्लॉट नंबर 336, इसी में कुछ भूमाफिया लोग के द्वारा पूरा बाउंड्री और ये किया जा रहा है। बाउंड्री वाल के लिए नया बुलडोजर ये सब चलाया जा रहा है, चूँकि बहुत हमारे न्यूज 11 में बहुत दिन से चल रहा है। इसमें बड़ा हमारा न्यूज 11 बहुत दिन से उठा रहा है इस मुद्दा को, लेकिन यहाँ हमारी सरकार लोग, सरकार के पदाधिकारी सब सोए हुए हैं। हम लोग को उम्मीद नहीं है सरकार से आज की ये जमीन बचने वाला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।